अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ आवर मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स चैप्टर। अपने प्रीवियस लेक्चर में मोटिवेशन को हमने डिफाइन किया था कि किसी भी बंदे की मोटिवेशन तीन चीज़ों से आइडेंटिफाई होती है। एक तो ये कि वो किस इंटेंसिटी से, किस जिसे कहते हैं कि हार्डनेस से, किस जोश से किसी चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहा है। दूसरा ये कि वो उसकी क्या वो डायरेक्शन है, किसी फोकस में है अपनी किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। और तीसरा ये कि वो कितना परसिस्टेंट है, कितना मुस्तकिल मिजाजी से उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ये तीन चीजें उसकी लेवल ऑफ मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करती हैं। फिर हमने डिटेल में कुछ अर्ली थियरीज ऑफ मोटिवेशन देखी थी, उनके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज भी किया था। और आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया तो क्यों हमने उनको डिस्कस ही क्यों किया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये अर्ली थेरीज नंबर वन, एक तो ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं कि जो काम हुआ है मोटिवेशन का पे ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली 1950s, एक तो उसकी बेसिस क्या है। और दूसरा यू विल बी वेरी यू नो सरप्राइज टू नो कि ये वाली थेरीज अभी भी मैनेजमेंट वर्ल्ड में यूटिलाइज होती हैं। बहुत सारे मैनेजर्स प्रैक्टिकली इन थेरीज को ना सिर्फ ठीक समझते हैं बल्कि इनको अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। सो बीइंग अ मैनेजर योरसेल्फ, जो चीज आप सीख रहे हो अपनी इस पर्टिकुलर डिग्री में, यू नीड टू नो द बेसिस ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। और जाहिर है मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि मोटिवेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है वो परफॉर्मेंस के साथ या गोल अचीवमेंट के साथ वो है। और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दूसरा ये बात भी जहन में रखें कि मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मोटिवेशन को एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं जिसमें हमारा मकसद होता है गोल अचीवमेंट। लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो मोटिवेशन हमारे लिए एक सर्वाइवल का बाइस भी है, क्योंकि अर्ली जो काम हुआ मोटिवेशन पे उसमें ये चीज पता चली कि आपको कोई नीड राइज होती है। अच्छा, वो नीड क्या है? वो एक फिजिकल नीड भी हो सकती है, यानी आपको भूख लग रही है, अब आपको खाना चाहिए। अब जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स थे, जो पुराने इंसान थे, वो आजकल की तरह तो हमारा नहीं कि जस्ट अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं, फ्रिज खोलें, खाना निकालें, पका हुआ है तो गर्म कर लें, नहीं पका तो पका लें, चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो जाएं बाहर से जाएं चीज खरीद के ले आए। लेकिन एक लेवल ऐसी भी आती है जो आजकल भी शायद ऐसे लोगों में हो कि जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सर्वाइवल के लिए फैसिलिटीज नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए उनकी बॉडी उनको मोटिवेट करती है कि गो एंड डू समथिंग। कुछ लोग उस मोटिवेशन में एक बड़े पॉजिटिव साइड पे निकल जाते हैं, कुछ लोग जो गुर्बत देखते हैं और मोटिवेट होते हैं कि हमने उस कुछ बनना है, अपनी बेसिक नेसेसिटी से बढ़ के हासिल करना है, वो उस गुर्बत को पॉजिटिवली लेके उनकी मोटिवेशन उनको एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल और रिच पर्सन बना सकती है इन अ पॉजिटिव टेकिंग अ पॉजिटिव अप्रोच। और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो नेगेटिव मींस जो है उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि क्रिमिनल एक्ट्स में वो इन्वॉल्व हो जाए, वो भी एक लेवल उनकी मोटिवेशन है। प्लस उनकी वैल्यूज, ऑब्वियसली वैल्यूज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो कंबाइंड होके तो उनकी मोटिवेशन उस तरफ उनको ले जाएगा जी गोल अमीर होना ही है, गोल एक अच्छी जिंदगी बसर करना ही है। लेकिन कुछ उस गोल को हासिल करने का पाथ जो है पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड पे ले जाए, तो ये एक अलग एस्पेक्ट है, उसकी तरफ से हम इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते। करंटली हमारा फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन लेवल को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। और इसी के लिए हम डिफरेंट थेरीज जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। So today we will discuss the contemporary theories of motivation. Contemporary का जब भी word आए इसका मतलब ये होता है कि मौजूदा, आजकल की चीज, ठीक है। जैसे
कॉन्टेम्पररी प्रैक्टिसेस का मतलब है आजकल क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। सो कॉन्टेम्पररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हमारे पास कॉग्निटिव एवेल्युएशन थ्योरी नंबर वन, उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनका बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देन वी हैव रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसके साथ ये रिलेट करती है। इक्विटी थ्योरी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो लेट्स गो थ्रू दिस थ्योरीज वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बेहतर ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं लोगों को मोटिवेट करने का एज कंपेयर टू द क्लासिकल थ्योरीज या कॉन्टेंट थ्योरीज जो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, जैसे नाम से साबित है कि आप चीजों को किस नजर से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ, और बहुत सारी रिसर्च की गई इस पर्सपेक्टिव में, कि बहुत सारे इम्प्लॉयज जब एक काम के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड का मतलब ये है कि वो उसको अपनी मर्जी से करते थे, उनको वो काम करना उसमें ज्यादा शौक से वो काम करते थे, जब उनको मोटिवेट करने की कोशिश की गई विद एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की वजह से उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिड्यूस हो गई। यानी कहने का मकसद ये है कि आप पहले इंटरेस्ट लेके काम कर रहे थे क्योंकि आपको वो काम अच्छा लगता है, आपकी पसंद का काम है, जो मर्जी जॉब हो, जिस तरह की, हर बंदे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट से काम कर रहे थे। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कोशिश की कि वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पे फोकस ना करे, यानी आपको इनकरेज करने पे, आपको रिकॉग्नाइज करने पे, वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करे बाय एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, यानी आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहे, आपकी उसमें बोनसेस अटैच हो जाए। तो ये बड़ा एक अमेजिंग सी रिसर्च है, लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहां से ये बात भी साबित हुई कि जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट था, हमने पिछली थेरीज में भी देखा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पे, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कैसे, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पे इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, प्रमोशन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, सुपरवाइजर्स के आपके साथ जो रिलेशनशिप है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, आपके जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आपको जो ऑफिस जिस तरह का मिल रहा है, ऑफिस की जो एटमोसफियर है, वो सारे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। अच्छा, लेकिन जो कॉग्निटिव एवेल्यूएटिव थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, काम में आप ज्यादा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी दिल से आप वो काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पे सिर्फ फोकस करने से ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और यही वजह है कि कहते हैं कि पे और परफॉर्मेंस का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, जबकि अगर उसी काम में उस बंदे को एक वर्बल प्रेज मिले, उसको रिकग्निशन मिले, उसको उस काम के नतीजे में एप्रिसिएशन मिले, तो वो ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। लेकिन ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि मिनिमम लेवल ऑफ सैलरी, मिनिमम लेवल ऑफ पे तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब आगे उससे बढ़ के सिर्फ पे ही इंक्रीज करते जाओ, क्या उसको रिकग्निशन ना दो, दिस कैन बी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मोटिवेशन। तो यहां पर यह भी एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बड़ा एक जरूरी बात समझना है। और ये जो हम बात यहां पर कर रहे हैं, ये रिसर्च से साबित है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि किसी ने एक फिलोसफी बयान कर दी जैसे पिछली थेरीज में, जैसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, दैट इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल थेरी। ये रिसर्च बेस्ड थेरीज है, और आपको पता है रिसर्च बेस्ड थेरीज जो होती हैं उनमें बकायदा लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनेयर्स फिल कराए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, और फिर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है जिसकी बेस पे वो रिसर्च आउटपुट निकलती है। तो यहाँ पे ये बात भी साबित है कि पीपल शुड चूज देयर जॉब केयरफुली।
वो जॉब को चूज करें फॉर द रीजन दैट दे लाइक टू डू दैट वर्क जो जॉब पे ऑफर होता है, नॉट ओनली द रीजन के वो उसमें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कितने मिल रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपनी पसंद का काम करेंगे, आप उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप उसमें कोई नाम पैदा करेंगे, तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेकिन जो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिलेगी अपनी पसंद के काम करने में। और इसमें एक बहुत और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको सेल्फ कंकॉर्डेंस कहते हैं। सेल्फ कंकॉर्डेंस का मतलब ये होता है कि अगर लोग ऐसा काम कर रहे हो जो उनकी मर्जी का है, जो उनका पसंद का है, ठीक है, उनके अपने कोर वैल्यूज के साथ मैच करता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, अगर वो उस काम को फाइनलाइज ना भी कर सके, उसके गोल्स को अचीव ना भी कर सके, इवन देन दे आर मोर हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल। तो सिर्फ वो काम करना ही, जो लेट्स अज्यूम दैट यू लाइक टू डू प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है, अब आप प्रोग्रामिंग की जॉब को छोड़ के हो सकता है एक सेल्स की जॉब में चले जाएं, तो इसका मतलब है कि वो आपके इंटरेस्ट की जॉब नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग की जॉब में हैं और आपको वहां पे उस सेल्स की जॉब से थोड़ा कम भी पैसे मिल रहे हैं, इवन यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, और यू सिंस यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, यू विल पुट मोर एफर्ट, देर इज अ मोर चांस कि आप उस प्रोग्रामिंग में ज्यादा एक्सेल कर जाएं और उसमें अल्टीमेटली आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की साथ साथ एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, प्रमोशंस, पेज, सैलरीज इंक्रीज, बोनसेस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाए। सो ये है कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी की बेसिस। और यहाँ पे हमने ये चीज भी इसमें से सीखा कि वन शुड चूज द जॉब दैट इज मोर दे फील मोर सेटिस्फाइड, दे इट इज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड इट मैचेस विद देयर कोर वैल्यूज। सो हमारी पहली जो कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरी थी कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी, उससे हमें ये पता चला कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी वो उसकी पसंद का काम है, उसमें वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर उसको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के जरिए मोटिवेट करने की कोशिश करे, तो उसकी ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि क्या उनके इम्प्लॉयज उस काम को के लिए पहले से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, तो उस सूरत हाल में वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि उनके काम को इस तरह डिजाइन करें कि उनको उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उस काम के लिए उनको रिकग्निशन दी जाए। एक लिस्ट है जिसमें आपको पता है कि कौन कौन से इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं और कौन कौन से एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, तो उनको ज्यादा उसमें सेटिस्फेक्शन मिले, रिकग्निशन मिले, उनको ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड किया जाए कि वो काम को बहुत फ्रीली अपनी मर्जी से डिजाइन करके कर सकें, ताकि वो उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि एटोनमी मिलना, किसी काम को करने के लिए डिसीजन पावर मिलना, दैट इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर। और अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे भी जाना है, यानी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पे भी जाना है, तो उसके लिए जो वर्बल रिवॉर्ड्स हैं वो ज्यादा असर करते हैं, एज कंपेयर टू के आप एम्प्लॉय के साथ सख्ती रखें, एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी रखें, एम्प्लॉय को एटमोसफियर अच्छा प्रोवाइड ना करें, उसको रिकग्नाइज ना करें, लेकिन सिर्फ उसकी सैलरीज के ऊपर फोकस करते रहें। ऑन द अदर हैंड इस थ्योरी पे भी क्रिटिसिजम्स हैं, लेकिन उन क्रिटिसिज्म्स को सामने रखते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय को बिल्कुल ही सैलरी ना दी जाए। उसको मार्केट रेट पे सैलरी देना या उसको जो जस्टिफाइबल सैलरी देना, वो तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही है, और वो हम अगली थेरीज में भी इस चीज को ज्यादा डीपली इस चीज को एनालाइज करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसे हमने बात की गोल अचीव करना, तो हमारी सेकंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जिसको हम लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी कहते हैं, उस थ्योरी का ज्यादा ताल्लुक है गोल्स के साथ। अच्छा, गोल एक टारगेट है, गोल वो है जो आपने अचीव करना है। किसी सेल्स के एम्प्लॉय के लिए गोल है कि उसने नंबर ऑफ सेल्स कितनी की है, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए गोल ये है कि उसका जो उसको एक टारगेट दिया गया है कि आपने इतना
लाइंस ऑफ कोड्स लिखनी है या ये मॉड्यूल जो है बाय द एंड ऑफ द डे या बाय द एंड ऑफ द वीक कंप्लीट करना है, वो उसका गोल है। हर किस्म के एम्प्लॉयज के डिफरेंट गोल्स होते हैं, और आपने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स या दूसरे जो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं उनके अंदर गोल मेकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि टारगेट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग के टारगेट्स, फाइनेंस के टारगेट्स, एचआर के टारगेट्स, वो सारे गोल्स हैं। अच्छा, साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये कहते हैं, अक्सर कोच अपने जिनको वो कोचिंग कर रही है वो कहते हैं कि डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी अजीब सी बात है जो हमें अक्सर रियलाइज नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें जो हैं वो ट्रेडिशनल वे में कर रहे होते हैं, कि व्हाट डू वी मीन बाय डू योर बेस्ट। बच्चा अपना तरफ से बेस्ट करके आता है और पेरेंट्स उसको डांटना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या किया, ये ऐसा रिजल्ट क्यों लेके आए, ये तो हमने तुम्हें नहीं कहा था। अब वो अपनी तरफ से कहे कि आपने तो कहा था डू योर बेस्ट, तो दिस इज द बेस्ट आई हैव डन। डिड यू एवर आइडेंटिफाई के बेस्ट का मतलब क्या है? तो वहां पे फिर हम कहते हैं कि गोल्स नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो इफ यू से कि डू योर बेस्ट मीन्स अचीविंग 85% ऑफ द टारगेट और 85% मार्क्स और व्हाट सो एवर इज द एम, तो नाउ वी आर बीइंग स्पेसिफिक। तो हम ये कहें अपने किसी भी एम्प्लॉय को, अपने किसी भी उस बंदे को जिसको हम कोच कर रहे हैं, जो जिसके हम मेंटोर हैं, कि हम उसको स्पेसिफिक गोल्स दें। तो यहाँ पे ये जो बंदा है लॉक, जिसका पूरा नाम एडविन लॉक है, इसने ये एक थ्योरी दी थी कि किसी भी मोटिवेशन के लिए ये एक सोर्स होता है, यानी कोई भी किसी भी काम के लिए मोटिवेशन पैदा करने के लिए सोर्स होता है कि आप उसमें स्पेसिफिक और निस्बतन डिफिकल्ट गोल्स डिजाइन करें, और उनका जो फीडबैक यानी उनका जो रिजल्ट है वो सेल्फ जनरेटेड हो, यानी बंदा भी रियलाइज करे कि ये गोल्स जो हैं अगर मैं अचीव करूंगा तो इसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिलेगा या मुझे ये अप्रिसिएशन मिलेगी, तो तब आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि स्पेसिफिक गोल्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ लीड करते हैं एज कम्पेयर टू जनरल डू योर बेस्ट गोल्स। तो उसकी वजह ये है कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक गोल, कोई नंबर, कोई एग्जैक्ट टारगेट हमारे जहन में आता है, तो हमारा इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई कहे कि भाई ये काम करो, ये काम अच्छा करो, डू योर बेस्ट, इस काम को बेहतर तरीके से करो, तो हमारे इंटरनल, हमारे माइंड में कोई नंबर सेट नहीं हो रहा कि भाई क्या अच्छाई क्या है। हमारे जो भी मर्जी होगी, जो भी हमारा मूड होगा, हम उसके हिसाब से एक बेस्ट अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। लेकिन जब आपको एक नंबर दिया जाएगा, जब आपको एक एग्जैक्ट टारगेट दिया जाएगा, जब आपको उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी, तो फिर आपका माइंड उस पे सेट हो जाएगा। और अगर आपने उस गोल को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी मैंने ये गोल करना है, तो फिर क्या होगा कि आप उसमें आपके इंटरनली मैकेनिज्म जो है उसको लीड करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए वो फंक्शनिंग शुरू कर देगा, जिसको हम इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिफिकल्ट गोल्स आर मोर मोटिवेटिंग। उसमें ये है कि जो डिफिकल्ट गोल्स होते हैं, जो चैलेंजिंग गोल्स जिन्हें हम भी कह सकते हैं, वो हमारी अटेंशन ज्यादा डाइवर्ट करवा देते हैं टूवर्ड्स दैट गोल रादर देन फ्रॉम द इररेलीवेंट डिस्ट्रैक्शंस। वो फोकस हमारा बढ़ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। और जब फोकस हमारा बढ़ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि उस डिफिकल्ट गोल्स करने के लिए हमारी इंटरनल एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा पार्ट प्ले करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल इसी तरह देखें कि बहुत सारे लोग जो जीपीए कॉन्शियस होते हैं और वो जीपीए को अटेन करना चाहते हैं, उनका एक गोल सेट होता है कि हमने हायर जीपीए लेना है। इवन ड्यूरिंग द सेमेस्टर इफ दे आर नॉट स्टडिंग एट द वेरी एंड इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उनकी इंटरनल एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो उस टास्क की तरफ अपना एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा ये कि अगर गोल्स आपके डिफिकल्ट हैं
ठीक है, तो फिर आप उनको अटेन करने के लिए ज्यादा परसिस्टेंस शो करते हैं। जो हमने मोटिवेशन के एक पार्ट, मोटिवेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस कब आएगी? कि जब वो गोल्स जो आप वाकई हासिल करना चाहते हैं, आपको पता भी होगा कि मेरा टारगेट क्या है, गोल क्या है मेरा, और वो गोल जब डिफिकल्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपको परसिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर गोल डिफिकल्ट है और दिल से आप उस गोल को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ये एक बड़ा बेसिक प्रिमाइस है, जैसे हमने सेल्फ जनरेटेड फीडबैक की बात की है कि आप उस गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको अचीव करने के लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिवाइस करेंगे। ठीक है, और वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी कि भी देखें, हर कोई एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता। कई लोग उसी सिनेरियो में ज्यादा बेहतर चीजें बेच लेते हैं और कई लोग जो हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं करते, क्योंकि जो जिसने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया उसके पास ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजीज हैं, उसने ज्यादा बेहतर वो अप्रोचेज यूज की हैं जिससे लोग उसकी चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं। सो ये कब होगा? व्हेन यू हैव अ डिफिकल्ट गोल्स। तो यहाँ दो बातें, एक तो स्पेसिफिक और एक डिफिकल्ट। अब तीसरी बात ये है कि फीडबैक, फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर फीडबैक ना मिले, अगर आपको पता ही ना चले यार कि मेरे इस गोल को अचीव करने का क्या फायदा है, या इस गोल को अचीव करने से कोई जो मैंने इतनी एफर्ट की है इसके ऊपर मुझे कोई अप्रिसिएशन मिलनी है या नहीं मिलनी, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन जो है वो कम हो जाती है। सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर कर सके, खुद जज कर सके कि हाँ ये मैंने गोल जो है ये अचीव किया है और इस गोल का मेरी कंपनी को ये फायदा हो रहा है कि ये खाम खा का गोल नहीं था, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड समथिंग, तो फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो मैनी टाइम्स इम्प्रूव हो जाती है। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब इम्प्लॉय गोल मेकिंग में खुद इन्वॉल्व भी हो। ये जब हम अगला एमबीओ में पढ़ेंगे जिसमें वो चीज ज्यादा डिटेल में डिस्कस की गई है कि जिसे हम कहते हैं ना पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि इम्प्लॉय जो है वो अपने सुपीरियर के साथ मिलके, अपने मैनेजर के साथ मिलके अपनी गोल मेकिंग में खुद इन्वॉल्व हो इन दैट केस। और जब वो जाहिर है खुद इन्वॉल्व होगा, उसको पता होगा कि टारगेट्स क्या हैं, उसको पता है कि टारगेट्स को मैयर कैसे करना है, उसको पता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, बेस्ट टारगेट कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, थर्ड बेस्ट कौन सा है, तो वो एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक लूप में आ जाएगा कि जब वो काम करेगा उसको खुद चेक करेगा, हाँ दिस इज ओके, दिस इज बेटर, फिर वो काम करेगा, फिर एफर्ट करेगा, और वो एक ऐसी लूप क्रिएट हो जाएगी जिसमें उसकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये होते हैं गोल्स सेटिंग थ्योरी एक मोटिवेशन को लीड करने के लिए। बट फाइनली इसमें ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज इंटर रिलेटेड है, कि जरूरी नहीं कि ये गोल सेटिंग थ्योरी हर बंदे पे एज इट इज अप्लाई हो जाए। आपने अपने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारी पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें हर कोई गोल अचीवमेंट की तरफ इतना फोकस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन ज्यादा कमिटेड होगा गोल की तरफ, यानी ये तो कंफर्म है कि जो ज्यादा कमिटेड होगा गोल की तरफ वो अपने गोल को अबंडन नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, वो गोल को अचीव करने की ज्यादा कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन ज्यादा कमिटेड होगा? एक तो वो लोग ज्यादा कमिटेड होंगे कि जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो गोल कमिटमेंट की तरफ ज्यादा कमिटेड बनाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो समझते हैं कि किस्मत से ज्यादा हमारी अपनी एफर्ट जो है वो पार्ट प्ले करती है, हम कोई भी टारगेट अचीव करें या कोई भी काम हम करें। दूसरा ये कि जब गोल्स ज्यादा पब्लिकली अनाउंस्ड होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये बंदा या ये ग्रुप इस गोल को अचीव करने जा रहा है, तो फिर वो
ज्यादा कमिटेड होगा उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें जाहिर है आपको पता है कि फेस सेविंग अपनी इज्जत का एक सवाल आ जाता है कि जी सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो इस सूरत हाल में भी लोग ज्यादा कमिटेड होंगे अगर आपका गोल ज्यादा पब्लिक होंगे। ठीक है, तो मोर पब्लिक मोर बेटर, एंड पीपल हु हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आर मोस्ट लाइकली टू बी कमिटेड टू देयर गोल्स। दूसरी बात कि हर किस्म के टास्क जो हैं वो ज्यादा बेहतर गोल कमिटमेंट नहीं बनाते, ये ज्यादा बेहतर जो है वो गोल अचीवमेंट की तरफ परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करते। अगर आपके टास्क जो हैं वो सिंपल हैं तो फिर परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी टूवर्ड्स गोल एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आप एज एन एम्प्लॉय आपको उन टास्क के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यू आर मोर लर्न टू डू दोस टास्क एज कंपेयर टू के जी बहुत नॉवेल किस्म के टास्क हो जिनके बारे में हमें दोबारा से एक सारी चीज सीखनी पड़ेगी, तब परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी। और अगर आपके टास्क इंडिपेंडेंट है यानी वो आपने खुद ही करनी है और वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है दूसरों के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि आधा काम आपने करना है आधा काम किसी और ने करना है, या एक पोर्शन का काम आपने करना है और रिमेनिंग काम 8, 10, 20 लोगों ने करना है, तो इवन देन जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो सकती है। और तीसरी चीज है कल्चर। बहुत सारे कल्चर्स बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें गोल और कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा उनके कल्चर के अंदर बाउंड हुआ है, जिसमें मोर स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ये वो कंट्रीज हैं जो कंपटीशन बेस्ड कंट्रीज हैं जहां पे गोल अचीवमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। ऑन द अदर हैंड, और हमने ये टॉपिक है डिस्कस नहीं किया कि कल्चर्स बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे गोल अचीवमेंट या गोल सेटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वहाँ पे प्रोसीजर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे इस हद तक फिर वो गोल्स और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप जो है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं होगा। सो जस्ट टू कंक्लूड कि गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि जितना स्पेसिफिकली डिफाइंड या वेल डिफाइंड गोल होगा, और इसको ना हम स्मार्ट भी कहते हैं, स्मार्ट गोल, मे बी आपने ये पहले भी सुना हो, स्मार्ट गोल का क्या मतलब है? स्पेसिफिक, मैयरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, इवन ये कि सिर्फ 85% कह देना काफी नहीं है, वो एक नंबर की शक्ल में हो, वो एक मैयरेबल क्वांटिटी में हो, दैट इज मोर अचीवेबल हो। मतलब अब जाहिर है कि आप कहें कि आप 110 नंबर 110% नंबर ले आओ, ये कोई अचीवेबल बात नहीं है, आपने उतना ही कहना है अगर आपको पता है कि 80% 90% 60% जो भी बेंच मार्क्स हैं उनके हिसाब से आप चलेंगे। रियलिस्टिक हो यानी चांद पे जाके दुकान खोलो या चांद पे जाके बिजनेस कर लो, दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक थिंग। थिंग्स जो भी हमारी वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनके अंदर रहते हुए हमने बात करनी है। एंड ऑब्वियसली टाइम बाउंड, बहुत सारे गोल्स हैं वो टाइम के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप 85% मार्क्स हासिल कर लें 4 दफा एग्जाम्स अटेम्प्ट करने या 4 दफा फेल होने के बाद, तो वो आपने वो बहुत सारा टाइम लूज कर दिया। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि मोर स्पेसिफिक गोल्स, डिफिकल्ट गोल्स, डिफिकल्ट इन द सेंस के चैलेंजिंग गोल्स, और उसके अंदर पार्टिसिपेटिवली वो एम्प्लॉय और मैनेजर ने गोल्स डिसाइड किए हों, और एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मैकेनिज्म डिफाइंड हो कि एम्प्लॉय खुद अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सके, तो इस सूरत में परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जनरलाइज्ड और लेस चैलेंजिंग गोल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ दीज मैनेजमेंट थेरीज। जैसे हमने पहले मैनेजमेंट कॉग्निटिव एवेल्युएशन थेरी पढ़ी, उसके बाद गोल सेटिंग थेरी पढ़ी, यहाँ पे ना बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस गोल सेटिंग थ्योरी को इम्प्लीमेंट करती हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये गोल सेटिंग थ्योरी बहुत ज्यादा रिसर्च इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती है कि ये गोल सेटिंग थ्योरी वाकई एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती हैं। और दूसरा ये कि गोल सेटिंग थ्योरी से एक फायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक प्रॉपर मेथड, एक मैकेनिज्म आ जाता है
कि वो अपने गोल्स एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का गोल। ऑर्गेनाइजेशंस के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उतने ही वो डिवीजंस बढ़ती जाएंगी। फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर समझो सब डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और फिर सब डिपार्टमेंट्स के गोल डिवाइड होके हर एम्प्लॉई का गोल जो है वो बन जाता है। तो हर लेवल पे एक मैनेजर बैठा है, वो मैनेजर नेक्स्ट मैनेजर्स को गोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो फिर नेक्स्ट मैनेजर को गोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्प्लॉय को गोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी अगर इस मैनेजर को टारगेट मिला है कि आपने 80,000 आइटम्स सेल करने हैं, तो ये चार एम्प्लॉयज हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके सर्कमस्टांसेस या डिपेंडिंग अपॉन वो किस सर्कल में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि इक्वल हो, तो वो 20% 20% सब 20-20 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 80 को 24 मतलब 80 को डिवाइड कर दिया 20-20-20 में। तो अब ये गोल्स हर किसी के पास है, और इस चीज को हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ कहते हैं। एमबीओ एक ट्रेडिशनल गोल सेटिंग से इस तरह डिफरेंस होता है कि जैसे हमने बात ये की थी कि यहां पे एक तो गोल्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा यहां पे पार्टिसिपेटिव गोल मेकिंग होती है। अगर एमबीओ भाई जाओ ये काम कर आओ, दिस इज ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, जाओ 80 आइटम्स जो है वो सेल कर रहा हो, दिस इज ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। आओ मिलके बैठ के डिसाइड करें कि क्या तुम 80 आइटम सेल कर सकते हो। हो सकता है एम्प्लॉय कहे कि सर मैं 100 कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे उस एरिया में स्कोप है। तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग अगर होगी तो वो एमबीओ का पार्ट होगी, अगर पार्टिसिपेटिव नहीं होगी तो वो ट्रेडिशनल गोल मेकिंग होगी जिसमें हुक्म दिया जाता है। और जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि मोटिवेशन आती है, यानी बेहतर परफॉर्मेंस आती है जब आपके पास एक सेल्फ रिपोर्टेड फीडबैक हो। सेल्फ रिपोर्टेड फीडबैक तभी आएगी जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे गोल मेकिंग में। और ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। आपको पता है कि जब आप अपनी मर्जी से काम करते हैं कोई, तो आप उसको ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। ये तो छोटे बच्चों के साथ भी आप अगर देखें, तो छोटे बच्चों को जब फोर्सफुली कोई बताया जाए कि ये काम करो तो वो रिजिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनके खेल खेल में पार्टिसिपेटिवली उनसे कहो जो बच्चों आओ खाना खा लें, बच्चों आओ पढ़ाई कर लें, बच्चों ये तुम खुद सोचो कि पढ़ाई हमने क्यों करनी है, उनको एक उसका एक फायदा बताया जाए, उनको साथ मिलकर अच्छा कौन सी चीज पढ़ना चाहते हो पहले वो पढ़ लेते हैं। इस तरह के जब एक पार्टिसिपेटिव सा एक मैनेजमेंट स्टाइल होता है तो उसमें मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है। देन एलवेज एमबीओ में एक टाइम पीरियड बड़ा काउंट करता है। जैसे हमने पहले कहा था जो स्मार्ट गोल्स होते हैं उनमें टाइम पीरियड जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हमेशा गोल सेटिंग में एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, एंड देन ऑलवेज देयर शुड बी अ मैकेनिज्म फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक। क्योंकि अगर फीडबैक ना मिले, आप जितने मर्जी गोल अचीव करके रख लें, आपको नहीं पता कि उसका कोई फायदा है, कोई अप्रिसिएशन है, कोई रिकग्निशन है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली फॉर द नेक्स्ट टाइम जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो बिजनेसेस हैं, हेल्थ केयर हैं, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे एमबीओ जो है वो इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। इसका ये मतलब भी नहीं कि एमबीओ 100% फूल प्रूफ प्रोग्राम है। अक्सर एमबीओ फेल भी हो जाता है, और एमबीओ को फेल करने के बहुत सारे जो वजूहात हैं वो ये नहीं है कि एमबीओ इन इटसेल्फ गलत है। उसका मतलब ये है कि अक्सर होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं। उसका मतलब ये भी होता है कि समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट जो है वो वादे तो कर लेती है लेकिन प्रैक्टिकली वो कमिटमेंट नहीं दिखाती उसको। एट द एंड वो ज्यादा बॉसी हो जाते हैं कि जो हमने कहा वो उसी तरीके से करो, ठीक है। मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में मीटिंग करने के बावजूद मैनेजर अपनी मर्जी का ही गोल डिसाइड कर लेता है। या फिर ये कि रिवॉर्ड्स ठीक तरह से नहीं मिल रहे होते हैं एम्प्लॉयज को। वो मेहनत तो करते हैं, उनसे वादे भी किए जाते हैं लेकिन रिवॉर्ड्स फिर दिए नहीं जाते गोल अकम्प्लिशमेंट पे। समटाइम्स कल्चरल इनकम्पेबिलिटीज आ जाती हैं हर जगह पे। जैसे मैंने बताया था कि गोल सेटिंग उस तरीके से अप्रिशिएबल नहीं होती जिस तरीके से अमेरिका में या कैनेडा में वो गोल सेटिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है।
सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, ये एक तीसरी अप्रोच, कंटेम्पररी अप्रोच है जिसको हम मैनेजमेंट सॉरी मोटिवेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब ये कोई हटके बात नहीं है, यहाँ पे ये बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टू गोल सेटिंग थ्योरी है, क्योंकि एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग इन कॉन्टेम्पररी थ्योरीज आर इंटर रिलेटेड, चाहे वो कॉग्निटिव एवेल्यूएटिव थ्योरी है, चाहे वो लॉक्स की गोल सेटिंग थ्योरी है, या चाहे वो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है। यहाँ पे ये बात बताई गई, और ये बिल्कुल रिसर्च से साबित है कि जिन लोगों का ये बिलीव होता है, हमने सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट पहले भी पर्सनैलिटी में पढ़ा, कि वो कैपेबल हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा परसिस्टेंस और ज्यादा नेगेटिव फीडबैक को फेस करने के काबिल होते हैं, और ये वही लोग हैं कि जो गोल्स ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर लेती हैं। सो मोर गोल अचीवमेंट कौन लोग कर रहे हैं, जिनकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा है। अब जब मैंने आपको गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का जिक्र किया था, लेकिन डेलिबरेटली मैं उस टाइम सेल्फ एफिकेसी का जिक्र नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि मैं जानता था कि आगे एक सेल्फ एफिकेसी थ्योरी भी आनी है जिसका गोल अचीवमेंट के साथ एक गहरा ताल। और वंस अगेन दिस इज वेरी लॉजिकल, पीपल हु बिलीव कि दे आर एबल टू अचीव, दे आर एबल टू परफॉर्म दिस टास्क। देखो, मैं आई एम नॉट अ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, और हो सकता है कि मेरी क्रिकेट की सेल्फ एफिकेसी भी लो हो। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि यू नीड टू रिप्रेजेंट अ टीम और आपने उसको जितवा के आना है, तो मैं कहूंगा यार ये तो नहीं पॉसिबल मेरे लिए, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, नाइदर आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, बट आई बिलीव कि आई कैन नॉट डू इट। अच्छा, अब ये बिलीव कैसे सेट होते हैं, ये एक अलग इसमें डिबेट है। हमने पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत इसके डिस्कस किया था कि ओवर द टाइम आप जब चीजें सीखते हो तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है, ओवर द टाइम जब आपको मुसलसल सक्सेस मिलती है अपनी लाइफ में, आपकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है। जैसे मेरी बात की जाए तो आई हैव अ वेरी हाई सेल्फ एफिकेसी फॉर एकेडेमिक थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट किस्म की चीजों का। आई हैव अ वेरी हाई सेल्फ एफिकेसी फॉर डिजाइन, आई हैव अ वेरी हाई सेल्फ एफिकेसी फॉर लर्निंग इंटेलेक्चुअल थिंग्स, ठीक है, जो एकेडेमिकली जो चीजें होती हैं, जो कोर्सेज होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें मेरी सेल्फ एफिकेसी हाई है बिकॉज दिस इज माई फील्ड। अच्छा, अब कहा जाए कि आई हैव अ वेरी लो सेल्फ एफिकेसी फॉर कुकिंग, क्यों, क्योंकि मैंने ना उसको इतना उस तरह गहराई में सीखा और ना मैंने उसके ऊपर फोकस किया। ऑल्दो देर आर टाइम्स इन माई लाइफ जब कुकिंग करनी पड़ी और मैंने उसको निभाया जितना निभा सकता था, बट आई नेवर गॉट प्रोफिशिएंट इन दैट, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब हो गया कि व्हेन यू हैव अ हाई सेल्फ एफिकेसी, व्हेन यू बिलीव दैट यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा, आपका परसिस्टेंस भी ज्यादा, और आपकी जो नेगेटिव फीडबैक के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो भी ज्यादा। तो इन कंक्लूजन क्या होगा कि आप गोल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे। सो दिस इज व्हाई सेल्फ एफिकेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन। और हमें ये पता है कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी अब मैनेजर के कंट्रोल में है कि वो अपने एम्प्लॉयज जो उन्होंने काम करना है, भाई आप फाइनेंस का डिग्री तो ले गए हो लेकिन अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके चीज को परफॉर्म करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना है, जो भी काम है, बजटिंग है, एंट्रीज है, व्हाट सो एवर वहां पे आपको काम दिया गया है, अगर आपका बिलीव होगा कि आप उस काम को कर सकते हो, तो बाय दिस मोटिवेशन थ्योरी आप उन गोल्स को अचीव कर सकोगे। और गोल अचीव का मतलब ही परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस गोल अचीव करना है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो ये है कि किसी बंदे को उस काम का रिलेटिव एक्सपीरियंस दिया जाए। सो आप लोगों को जो इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं या जो केस स्टडीज की जाती हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप बिफोर द जॉब एक्सपीरियंस हासिल करें। और एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो मोर यू प्रैक्टिस समथिंग आपकी उसके ऊपर ग्रिप बढ़ती जाएगी, आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा तरीका है विकेरियस मॉडलिंग,
आपके सामने ऐसे मेंटोर्स आए, आपके सामने ऐसे फैमिली मेंबर्स आए, आपके सामने ऐसे मॉडल्स आए जिनको आप ऑब्जर्व करते रहो और उनको देख देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। यू नो दिस विकेरियस मॉडलिंग इज वन ऑफ द रीजन के फैमिलीज में बहुत सारे जो क्या कहते हैं एबिलिटीज हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो ट्रेवल करते हैं। बड़ा इजी होता है किसी डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनना, किसी टीचर के बच्चे को टीचर बनना, किसी फार्मर के बच्चे को फार्मर बनना, अपने वालदैन को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के। फॉर मी इफ आई से माई मदर इज अ टीचर, वॉज अ टीचर, इनफैक्ट ही इज स्टिल अ टीचर। वो अभी वो मतलब उन्होंने अपनी सारी लाइफ टीचिंग की है। सो फॉर मी आई हैड अ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टीचर एट अ मॉडल टू फॉलो बींग अ टीचर। ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरों को कोई टास्क परफॉर्म करते देख के यू गेन इन कॉन्फिडेंस। तो ये जो विकेरियस मॉडलिंग है ये इवन जॉब पे भी होती है, ठीक है। उसमें आप ये है कि आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हो, आप उसको देख के आप स्पोर्ट्स सीखते हो। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को देख के वो उनके अंदर एक 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 विलिंगनेस पैदा हो जाएगी कि मैंने भी ये काम करना है, और फिर बार बार उनको ऑब्जर्व करके उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि वी कैन आल्सो डू दैट। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी का किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, और ये मैनेजर्स के लिए बड़ा अच्छा एक वे है, वो ये वर्बल पर्सुएशन। आप किसी को समझा के, किसी को गाइड करके, किसी की काउंसलिंग करके उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, यहां पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं कीप इन माइंड कि एबिलिटीज शुड बी देयर, किसी काम को करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। बट अगर एबिलिटी कम भी है तो आप कॉन्फिडेंस जो है वो वैसे भी बढ़ा सकते हो वर्बल परसुएट। जैसे जैसे हम कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, वो वर्बली परसुएट कर रहे हैं आपको कि इफ इफ दैट पर्सन ए कैन डू इट देन बी सी डी ई से लेके जी तक भी वो काम कर सकते हैं। अगर उनका कोई हैंडीकैप नहीं है, अगर उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है या मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, तो अगर ए ने कोई काम किया है तो बी से लेकर जी तक भी वो काम कर सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स बेसिकली वर्बली आपकी सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक पिगमिलियन इफेक्ट का बड़ा जिक्र किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर किसी को एहसास दिलाते हैं कि उसके अंदर कोई एबिलिटी है या वो उसके अंदर ये इंटेलिजेंस है हाई, उसका IQ हाई है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो नहीं भी है तो एबिलिटी पैदा हो जाए। अगर वो बिलीव कर ले आपकी बात कि हाँ वाकई मेरे अंदर ये एबिलिटी है या ये टैलेंट है या मेरा IQ हाई है, तो वो उसके अंदर पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो वो बंदा बिलीव कर ले और दूसरा जो उसको समझाने वाला है वो उसके ऊपर एतमाद करता। यही वजह है कि हम अक्सर दूसरों को भी बताते हैं और खुद भी कोशिश करते हैं कि आप पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें, आप लोगों को उनके टैलेंट्स, लोगों को ये बताएं कि दे कैन डू इट, दे हैव दिस एबिलिटी। क्योंकि आई आल्सो पर्सनली बिलीव कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज रखी होती हैं। ये अलग बात है कि हमारी इन्वायरमेंट की वजह से, हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से या हमारे अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से वो वाले टैलेंट्स जो हैं वो सामने ना आए। और आपने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं कि जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, उनको प्लेटफॉर्म्स मिले, उनको यूट्यूब मिला, उनको अपने आप को सामने प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो इवन इन देयर लेटर लाइव्स उन्होंने वो टैलेंट्स दिखाए जो शायद पहले उनके अंदर ही रह जाते और वो उसको किसी के सामने ना लेके आ सकते क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इससे मिलता जुलता जो दूसरा इफेक्ट है, दैट इज वी कॉल्ड द जेलिटिया इफेक्ट। ये होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज को ये बताते हैं कि हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस है परफॉर्मेंस की, हम उनको ये इस तरीके से उनको ये चीज़ कम्युनिकेट करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आप के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है,
तो फिर देखा गया कि वाकई इम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने अपनी उस एबिलिटी को प्रूव करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी. सो दिस पेगमिलियन इफेक्ट एंड जेलिटिया इफेक्ट्स आर एक्चुअली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स. पेगमिलियन में ये कि किसी को ये बताया जाए कि उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, उसके अंदर ये एबिलिटीज मौजूद है, तो और वो उसको बिलीव कर ले तो उसके अंदर उन एबिलिटीज वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं अगर ना भी हो पहले. और जेलिटिया इफेक्ट में ये है कि अगर उन्हें बताया जाए कि दे हैव दिस एबिलिटी और वो उसके हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो वो कन्विंस करने के लिए कि हम उस एबिलिटीज की वजह से हाई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी. फाइनली सेल्फ एफिकेसी में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अराउजल. अराउजल उन सूरत हाल में होता है कि जब आपको ऐसा काम कर रहे हो जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से अगर आप ज्यादा उस बेहतर काम कर रहे हैं तो मतलब कि आप समझते हैं इसमें कोई पेट्रियोटिक आ जाता है हिस्सा, या इसके अंदर कोई रिलीजन की खिदमत आ जाती है, और फिर आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अराउज करवाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अब ये काम करोगे तो दीन के लिए बेहतरी होगी, ये काम करोगे तो मुल्क के लिए बेहतरी होगी, ये काम करोगे तो फैमिली के लिए बेहतरी होगी, ये काम करोगे तो पूरी दुनिया का भला हो जाएगा, तो वो इस किस्म का जो इमोशनल कंपोनेंट अगर आ जाए तो वहां से भी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव हो सकती है. लेकिन अगर इमोशनल उस टास्क का पार्ट नहीं है और खाम खाम में उसके साथ इमोशंस को अटैच किया जा रहा है, तो फिर परफॉर्मेंस को हर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो हेयर वी विल एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. अभी कॉन्टेम्प्रेरी थियरीज खत्म नहीं हुई, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कॉन्टिन्यू विद दिस थियरीज, ठीक है. तो एक छोटा सा अगर हम रीकैप ले लें तो वी हैव स्टडीड इन कॉन्टेम्प्रेरी थियरीज कॉग्निटिव इवेल्यूएशन थियरी, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा कि अगर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन मौजूद है और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गोल सेटिंग थ्योरी हमने देखी लॉक की, जिसमें हमने कहा कि स्पेसिफिक गोल्स हो, डिफिकल्ट और चैलेंजिंग गोल्स हो, और उसके अंदर एक सेल्फ रिपोर्टेड फीडबैक हो, तो फिर आपकी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी, आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे गोल को अचीव करने के लिए, जिसकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इम्प्लीकेशंस है दैट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये पूरा एक प्रोग्राम होता है जिसमें स्पेसिफिकली टाइम बाउंड किस्म के गोल्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव गोल्स होते हैं, जिनको मिलके सेट करते हैं और फिर उनके ऊपर एम्प्लॉयज जो हैं उनको परफॉर्मेंस फीडबैक होती है. फिर हमने देखा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी है, बेंडूरा की बड़ी फेमस थ्योरी है. सेल्फ एफिकेसी को हमने एज अ पर्सनैलिटी ट्रेड भी देखा था, अब हमने सेल्फ एफिकेसी को एज अ मोटिवेशन देखा, क्योंकि जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा चीज को अचीव करने के लिए, और उसको वो अपने कॉन्फिडेंस के जरिए उसको ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको हासिल करने की कोशिश करेगा. फिर हमने देखा कि सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करने के भी बहुत सारे मैनेजर्स के पास टूल्स होते हैं जिनको वो अप्लाई करके अपने एम्प्लॉयज़ की सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज कर सकते हैं.